जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बुधवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने DRCC में संचालित 7 निश्चय में शामिल महत्वाकांक्षी योजना, तीनों योजनाओं यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना व कुशल युवा प्रोग्राम के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत आवेदनों की संख्या बढ़ाने और आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करने एवं निरंतर काउंसलिंग के माध्यम से आवेदनों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजनाओं की जानकारी देने से इच्छुक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड के तहत 4,00,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। डीएम ने बताया कि DRCC कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, अब कार्य में पूर्व की तरह तेजी आएगी, साथ ही साथ अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। 18 वर्ष पूरा कर लेने वाले युवाओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर दिया जोर। DRCC में क्रेडिट कार्ड स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर आवेदन करने आए आवेदकों से मिलकर परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली, साथ ही 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर जोर दिया, साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की बातें कही। मौके पर जिला योजना पदाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बिहार न्यूज प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। निबंधन एवं परामर्श केंद्र पे अभी यहाँ पे हैं। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 7 निश्चय 1 के तहत आर्थिक हल युवाओं का बल योजना के तहत 3 योजनाएं यहाँ संचालित हैं। अपने ज़िले में 3 योजनाओं में अच्छी प्रगति है, स्टेट में रैंकिंग में भी हम लोग ऊपरी पायदान पे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत लगभग 79 करोड़ रुपये की राशि हम लोग आम युवाओं को उपलब्ध करा चुके हैं। इसी तरह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगभग 18 करोड़ की राशि विभिन्न बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में हम लोगों ने प्रदान किया है। उसी तरह KYP में भी काफ़ी अच्छी प्रगति है। आज DRCC के में जो कर्मी हड़ताल पे थे उनका हड़ताल भी टूट गया, आज से उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और आज से और तेज़ी गति से कार्य होगा। बीच में हम लोगों ने अल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत कार्यपालक सहायकों को लगाया था जिससे कि काम में व्यवधान ना हो। यहाँ प्रगति अच्छी है, टोटल 3 योजनाओं में अच्छी प्रगति है, लेकिन उसको और बेहतर करने का हम लोग लगातार प्रयास करें। जॉब मेला भी यहाँ पे लगा हुआ है सर कुछ? हम सभी लोग जानते हैं कि DRCC पे प्रति माह हम लोग 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन नियोजन निदेशालय के आदेश के आलोक में करते हैं और प्रत्येक 3 महीने पर एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। जो प्रत्येक महीने किया जाता है उसमें 2 और 3 कंपनी आती है। आज भी 2 कंपनी आई हुई है, एक कंपनी 18,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दे रही है और दूसरी कंपनी लगभग 15,000 रुपये का वेतन दे रही है। लगभग 150 वैकेंसी लेके ये दोनों कंपनी आई है। काफ़ी संख्या में हमारे युवक युवती यहाँ पर रोजगार के लिए आ रहे हैं और हर एक 3 महीने पे जो होता है, अभी हाल ही में हम लोगों ने किया है, वहाँ लगभग 30 से 40 कंपनियाँ आती हैं और लगभग 15,000 से लेकर 25,000 तक का रोजगार देती हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे युवक युवती रोजगार देते हैं। सर, निरीक्षण के दौरान यहाँ सारी जो व्यवस्थाएं थी अच्छी अच्छी क्या कमी पाई गई? क्या कोई कमी विशेष नहीं पाई गई? यहाँ का DRCC अच्छे ढंग से संचालित है, 3 योजनाओं में प्रगति अच्छी है। निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने, चूँकि अभी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में चल रहा है, हम लोग युवाओं को यह भी प्रेरित कर रहे हैं कि यदि आपकी उम्र 17 साल हो गई तो निश्चित रूप से मतदाता सूची में नाम अपना अंकित करा लें। इसके लिए हम लोगों ने DRCC केंद्र पर भी 2 ऑपरेटर्स रखा है कि ताकि प्रपत्र 6 में हमारे वैसे छात्र छात्राएं जिनकी उम्र 17 साल या ऊपर है और उनका मतदाता सूची में नाम नहीं, वो अपना नाम अंकित करा ले ताकि आगे आने वाले मतदान चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर सकें।